रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 11वीं की छात्रा क्लासरूम में अचानक करने लगी गंदा काम, आसपास बैठे छात्रों के उड़े होश। जालंधर। पंजाब के जालंधर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बारे में जानकर आपके होश फाकता हो जाएंगे। यहां 11वीं की एक छात्रा क्लासरूम में अचानक गंदा काम शुरू कर दिया, जिससे आसपास बैठे स्टूडेंट्स चौंक गए। बात जब प्रिंसिपल को पता चली और पास जाकर लड़की को देखा तो उनके भी होश उड़ गए। मामला जालंधर के थाना सदर के एक गांव का है। यहां बीते मंगलवार को सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा अचानक से अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। अगल बगल बैठे छात्रों को पहले तो समझ नहीं आया कि उसे क्या हो रहा है। वह अजीबोगरीब आवाज निकाल रही थी, जिस पर सब उसे हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। आपको बता दें कि जिस समय ये सब हुआ उस समय क्लास में कोई टीचर मौजूद नहीं था। जब छात्रा अचानक अजीबोगरीब हरकत करने लगी तो साथी छात्रों ने इसकी जानकारी तुरंत प्रिंसिपल को दी। छात्रों की शिकायत के बाद जब प्रिंसिपल क्लासरूम का मुआयना करने पहुंचे तो वहां छात्रा की हरकत देख वो भी हैरान रह गए। आपको बता दें कि प्रिंसिपल को छात्रा के पास से एक शराब की बोतल मिली, साथ उसके मुंह से तेज बदबू भी आ रही थी। प्रिंसिपल ने छात्रा की इस हरकत पर सीधा माँ बाप को स्कूल में बुलाया और उनकी बेटी की करतूत बताई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रा का नाम स्कूल से काट दिया गया है। प्रिंसिपल ने जब इस बारे में माँ बाप से सवाल जवाब किया तो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। पूछताछ में पता चला कि छात्रा के पिता पेशे से वेटर हैं और वे हाय दिन पार्टियों से शराब बचाकर घर ले आते हैं। पिता की शराब को बेटी चोरी छुपे पी लिया करती थी। छात्रा के माँ बाप को इस बात का शक तो था, लेकिन उन्हें इस बात की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी स्कूल में ऐसा काम करेगी।